यह जश्न उस नारी शक्ति की जीत का है जिसने खेतड़ी के इतिहास में पहली बार महिला उम्मीदवार ने जीत हासिल की। मामला जुड़ा है स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय के छात्र संघ चुनाव से, जहां पर स्वामी विवेकानंद राजकीय महाविद्यालय में सुनीता गुर्जर द्वारा विजयी होने पर ससुराल में व उनके घर पर जश्न मनाया गया। डीजे पर गांव वाले परिवार व रिश्तेदार भी पहुंचकर नाच रहे हैं। समय अध्यक्ष भी सुनीता गुर्जर अपने आप को नहीं रोक पाई, डीजे पर जमकर नाची और जीत का जश्न मनाया। परिवारों में जेठानी व बड़ी बहनों ने खुशी मनाते हुए कहा कि सुनीता अगर पढ़ाई में आगे बढ़ेगी तो बढ़ाएंगे, अगर राजनीति में आगे जाना चाहेगी तो उसी में भी भेजेंगे। वहीं सुनीता गुर्जर के पिता बेलवा के पूर्व सरपंच महावीर गुर्जर भी चराने पहुंचे और खुशियों में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि परिवार पहले राजनीति में है, उनकी मम्मी ने भी चुनाव लड़ा था, मैंने भी चुनाव लड़ा है, अगर बेटी चुनाव में विजयी हुई है तो राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। वहीं चुनाव के कैंपेन देख रहे स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष योगेश गुर्जर ने भी सभी का धन्यवाद दिया और कहा कि मतदाता इस बार जाकर वोट मांगे। कॉलेज में विकास कार्यों का हवाला देते हुए मतदान में छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और जिताया है। महाविद्यालय कक्षा सहेली भी अपने आप को खुशियों में सरोबार महसूस कर रही है। चुनाव में लड़ा गया था इस बार खेतड़ी कॉलेज में, इस जीतने की इच्छा थी, काफी बार हर वर्ष चुनाव होते तो लड़के जीतते हैं, तो इस बार हमने सभी ने मिलकर नई प्लानिंग की कि इस बार एक महिला अध्यक्ष बनाया जाए जो एक नया कीर्तिमान स्थापित हो खेतड़ी महाविद्यालय में। और हमने घर घर जाकर बताया, हाथ जोड़कर विनम्रता से वोट मांगे, 36 जात में वोट मांगे, सभी छात्र छात्राओं ने खुशी खुशी वोट दिए और हमें ऐसा लगा इस बार हम अच्छे वोटों से जीतेंगे। वो थोड़ा अंतराल कम रहा क्योंकि चुनाव बड़ा कंपटीशन में था और सुनीता बिलवा MSc जूलॉजी की स्टूडेंट, वो भी एक अपने आप में मायने रखता है, 83% थी इसकी सिंसियर थी और हमें लगा कि उम्मीदवार जीत सकती, इसलिए हमने इसको सोच समझ के उतारा था बड़ी रणनीति के तहत और महाविद्यालय में अच्छा काम करेंगे, अच्छा विकास करेंगे उम्मीद है। अभी अनेक छात्र छात्र मिलने के लिए बड़ा जुड़ाव यहाँ पे घर पर आया हुआ है, धर्मशाला मिठाइयाँ खिला रहे हैं, खुशी मना रहे हैं और बहुत ही अच्छा सभी ने मिलकर रिजल्ट दिया, इसके लिए धन्यवाद सभी को और आगे भी इस प्रकार ही आगे बढ़े काम करें उन्नति करें उनकी जीवन कामना करता हूँ ईश्वर से। बहुत खुशी का माहौल है, पूरा परिवार बहुत ही ज़्यादा खुश है और हम चाहते हैं कि आगे बढ़े, राजनीति के क्षेत्र में हो चाहे शिक्षा के क्षेत्र में, किसी भी चीज़ में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हम लोगों का पूरा सपोर्ट है, परिवार का पूरा सपोर्ट है, हमारे पेरेंट्स का पूरा सपोर्ट है। बहुत ज़्यादा खुशियाँ मनाई जा रही है, गाँव में मिठाई बट रही है, डीजे बज रहा है, सभी बहुत लोग सब लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, सब लोगों ने इतना संघर्ष किया, इतना साथ दिया, तहे दिल से सबका शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद लग रहा है सर। हमने बहुत मेहनत की है और सर मैं यही कहना चाहती हूँ कि मतलब गवर्नमेंट कॉलेज में पहली बार कोई छात्र मतलब छात्रा आई है और सर हम जो भी होगा कॉलेज के लिए स्टूडेंट्स के लिए सब मिलकर और सर वगैरह की सबकी परमिशन के साथ सारा काम अच्छे से ने हमारा और अपने ससुराल का और पीआर का दोनों जगह का नाम रोशन किया है, आसपास के सभी गांव का नाम रोशन किया है और वैसे मैं भी राजनीति में रहा हूं, 95 से चुनाव लड़ रहा हूं बराबर, इसकी मम्मी ने भी चुनाव लड़ा है। क्या राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने के लिए बढ़ाने के लिए मैं बेटी को धन्यवाद देता हूँ और आगे भी बेटी राजनीति को आगे बढ़ाएगी।